अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज रमज़ान स्पेशल में जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैक्सिकन रेसिपी है टैकोस। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं साथ लिख दूँगी और साथ साथ आपको बताऊँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। आइए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें ये डालूंगी 1 मीडियम साइज का प्याज था और 6 जवे लहसुन के थे, इसमें ये डालूंगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पका लूंगी, जब ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर बाकी रेसिपी आप करेंगे। चिकन को 5 मिनट मैंने पकाया है, इसको अब हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1.5 टी स्पून नमक, चिली फ्लेक्स 1 टी स्पून और 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर। साथ ही जाएगा ऑरिगेनो 1 टी स्पून, यूज कर रही हूँ। अब जो तमाम स्पाइसेस हैं इनको चिकन में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चिकन को भूनेंगे। इसको अच्छे तरीके से इस तरह मैं भूनूंगी, चिकन अपना पानी छोड़ रहा है, इसको इसमें ड्राई करेंगे। चिकन को 10 मिनट तक मैंने अच्छी तरह भूना है, उसका पानी भी ड्राई हो गया। अब इसको गलाने के लिए मैं तकरीबन 1 कप पानी डालूंगी और लिड दे दूंगी। जब ये गल जाएगा फिर बाकी हम अपनी रेसिपी करेंगे। अब इसके साथ ही 3 अगर मैंने ग्रीन चिली ली है, उनको इस तरह काट के वो भी डाल दूंगी। थोड़ी सी ये शिमला मिर्च मैंने बचा के रखी है, ये जब एंड पे इसकी डेकोरेशन करूँगी तो ये डालूँगी इसके ऊपर। ये मैंने प्लेन टोटिया ले लिए हैं, तो इनको किस तरह काटना है ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके का आप कोई भी कटर ले लें, उससे हमने इसको इस तरीके से काटना है। इस तरीके से हमने काट लेने हैं सारे। चिकन गल गया है, अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले बंद गोभी 1 कप, अब इसमें जाएगा सिरका 1 टेबल स्पून, साथ जाएगा सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, टमाटो केचप ये 2 टेबलस्पून, तमाम चीज़ों को इस तरह मिक्स करेंगे। स्प्रिंग अनियन डाला है 1/4 कप, इसको इस तरह सारा मिक्स कर लूँगी। पानी तकरीबन ड्राई हो गया है, अब इसमें जाएगी शिमला मिर्च 1 कप, इसको भी इस तरह मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा देर भी पकाना, थोड़ी क्रंची रही है। अब इसमें 3 टेबलस्पून मैंने चीज़ क्रीम डाल दी, इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करूँगी। ये चिकन मसाला रेडी हो गया है, अब इसको ठंडा करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब इनकी फिलिंग करनी है। अब मेरे एक हाथ में कैमरा, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इसको करना है। इस तरह आपने डालनी है, टू मच नहीं डालनी है आपने, उतने हो जितने इस पे हो जाए।
अब इसके ऊपर जाएगी चीज, इस तरीके से डालेंगे। ये डेकोरेशन के लिए शिमला मिर्च डाल दी है। इस तरह इसको बना के आप किसी चीज़ की इसको सपोर्ट दे रहे हैं। मैंने ये मग रखा है, कोई भी चीज़ रख के आपने बाकी चीज़ इस तरह बनानी है और साथ सपोर्ट देते जाना है। इस तरीके से इसकी मैंने फिलिंग की है। अब इनको मैं रखूँगी ओवन में 10 से 15 मिनट और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। ये टैकोस तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो नए मेरे आने वाले हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।